जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। हमारा विषय चल रहा है टॉपिक एडियो का हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया है वर्ण क्या होता है, स्वर किसको बोलते हैं और व्यंजन क्या चीज़ है। पिछले वीडियो में हमने द्वित व्यंजन तक कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा विषय है मेनली कि वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। तो वर्णों का वर्गीकरण करने के दो प्रकार से किया जाता है मेनली। पहला है घोषत्व या कंपन के आधार पर। घोषत्व या कंपन क्या होता है, जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं है ना, तो उसमें कंपन पैदा होती है। ठीक है, जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक कंपन पैदा होती है, उसके आधार पर हम इसको बांटते हैं। तो इसके आधार पर हम दो वर्ग से बांट सकते हैं, दो तरीका से। एक होता है सघोष व्यंजन, दूसरा होता है अघोष व्यंजन, सघोष और अघोष। ठीक है, देख अभी तक हमने क्या आया था, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं वो पढ़े हैं। स्पर्श पढ़े हैं 25 प्रकार के, उसके बाद हम पढ़े हैं संघर्षी व्यंजन 4 प्रकार के, 4 प्रकार के पढ़े हैं उष्म व्यंजन, और 4 प्रकार के पढ़े हैं हमने संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से मिलके बना होता है। उसके बाद हमने पढ़े थे द्वित व्यंजन। ठीक है, अब उसी प्रकार वर्णों का और वर्गीकरण होता है कि उसकी कंपन या आवाज़ जैसे हम उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम उसको बोलते हैं तो उसमें कितना कंपन होता है, कितना उसमें कंपन होता है और कितना हवा निकलता है, तो इस प्रकार हम इसको देखेंगे। तो सघोष व्यंजन, इसके उच्चारण करने से कंपन अधिक होता है। ठीक है, नाम से ही पता होना चाहिए। देख, घोष का मतलब तो होता है कंपन, और सघोष मतलब कंपन के साथ। ठीक है, आप शाब्दिक अर्थ को लेते हुए यदि किसी वर्ड को समझेंगे, किसी चीज़ की परिभाषा को समझेंगे, तो आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी याद होने वाला है। तो पहला तो होता है घोष, घोष का मतलब होता है कंपन, है ना। हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, तो हो गया कंपन। ठीक है, और सघोष मतलब होता है कंपन के साथ। ठीक है, सघोष का मतलब होता है इसका उच्चारण कंपन अधिक होता है। यदि हम सघोष के उच्चारण करेंगे तो इसमें कंपन अधिक होगा। ठीक है, सघोष में कंपन अधिक होता है और अघोष में कंपन कम होता है, इसमें कंपन अधिक होता है। तो जैसे अब इसमें क्या क्या आएंगे, तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व्यंजन, अंतस्थ, ह और अपने 11 स्वर। ठीक है, क्या बोले मैं, वर्ग का जो नीचे वर्ग दिख रहे हैं, ये देखिए, ये है नीचे वर्ग, ये है नीचे का आपका वर्ग। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं वर्ग, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, तो ये गिनती कहाँ से करेंगे, तो ये देखिए, ये तीन, ये एक, दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा में जितना भी आपका वर्ण है, मतलब कितना वर्ण है यहाँ से लेके, ये देखिए, ये आपके पूरे 15, पाँच इसमें, पाँच इसमें, पाँच इसमें, ये होता है आपका घोषत्व हिन्न, मतलब इसके उच्चारण से कंपन अधिक होता है। अघोष में भी होगा, लेकिन अघोष में कंपन कम होगा, सघोष में कंपन ज़्यादा होता है। तो ये आपका सघोष व्यंजन है। ठीक है, दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ हमने क्या पढ़े हैं, य र ल व पढ़े हैं ना, य र ल और व, ये हमारे अंतस्थ हैं। तो इसकी संख्या कितनी है, 4। तो काउंट करते जाइए, यहाँ पे 15 आपके वर्ण से हो गए, 4 आपके हो गए हैं अंतस्थ, और एक होता है ह, केवल एक ह, तो एक ये हो गया, और आपके 11 जो स्वर हैं है ना, 11 जो स्वर हैं वो आपके सघोष है। ये आप याद कैसे रखेंगे, तो इसके याद करने के लिए एक ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, ट्रिक क्या होगा, आपका ये हो गया, आपका ये होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये तीसरा,
चौथा और पांचवा, ठीक है, ये पांचवा हो गया। और अंतस्थ ह और ये लिख लीजिए अंतस्थ ह और 11। इस प्रकार आप किसी एक तरीके से आपके इसका ट्रिक बना लीजिए कि आपको इसको कैसे याद करना है। और इसकी कुल संख्या होती है 31। देखिए कुल संख्या शायद आप भूल जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि सघोष, देखिए याद करने का एक ट्रिक होगा, बस आप एक याद कर लीजिए सघोष, सघोष आपका होता है 31। और इसी का उल्टा होता है अघोष, और इसी के डेटा को चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा अघोष। अभी बताऊंगा नीचे अघोष क्या है, पर ये आपकी इसकी संख्या याद करने के लिए बस एक ही याद करना है सघोष। उसमें भी होता है आपका 3 4 5 अंतस्थ और ह और 11 आपके पूरे स्वर, ठीक है, 11 आपके पूरे स्वर। तो इसकी वे इसकी इसकी संख्या होती है आपकी 31। और 31 का वर्ण अगर हम आगे पीछे कर दें तो वो होता है आपका अघोष, अघोष की संख्या। तो देखते हैं अघोष में क्या क्या आता है, अघोष में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका पहला और दूसरा, ये पहला और ये दूसरा वर्ण है ना, तो एक और दो ये हो गया। दूसरा व्यंजन श श श, तीन बार है ना, श श श क्या हो गया, तो ये हो गया आप आधुनिक 10 10 और 3 13, ये तीनों श इसमें आते हैं। देखिए तीनों श इसमें आते हैं, ठीक है, ये कंपन के आधार पे। सघोष का मतलब होता है कंपन होना, अघोष के कंपेयर देन अधिक कंपन होना, तो ये हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लीजिए 3 4 5 अंतस्थ और आप होगा ह और 11 स्वर, इस प्रकार इसकी कुल संख्या होगी 31। ये क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में ये टोटल पूछ सकता है या फिर ये वर्ण दे देगा आपको कि ख दे देगा और ये झ दे देगा। अब बोलेगा इसमें सघोष कौन सा है ना, तो आपको पता होगा कि ज किस में आता है, ये आपके चौथे वर्ण में है, तो आप आराम से बता देंगे कि ये आपका सघोष है। और ख जो है दूसरे में आता है, और दूसरा हमने लिखा है अघोष, ठीक है। तो और ये जो श श है आपका ऊष्म व्यंजन है, तो उसमें से एक ऊष्म व्यंजन जो है, उसमें से एक ऊष्म व्यंजन आपके सघोष के पास चला गया, ह और श श श। अब बोल के ही देख सकते हैं, है ना, बोल के ही देख सकते हैं श श श इस प्रकार। और ह में आपका अधिक कंपन होता है, ह स श श में कम होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राण काकल के आधार पर, हवा या सांस के आधार पर, ठीक है। अब हमने पहले हमने उसके जो था व्यंजन उसको पहले कैसे कैसे बांटा कि काकल के कंपन के आधार पर किसी चीज़ को बोलते हैं तो कितना कंपन होता है, ठीक है। और ये प्राण तत्व का मतलब होता है काकल, इसका मतलब होता है हवा या सांस के आधार पर किसी चीज़ को बोलने पर कितना अधिक हवा निकलता है और कितना कम हवा निकलता है, इसके आधार पर हम इसको बांटने वाले हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका अल्प प्राण, एक होता है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण में, अल्प प्राण में आपका थोड़ा हवा निकलता है, कम हवा निकलता है, ठीक है। अल्प प्राण है उसमें थोड़ा आपका कम हवा निकलता है महाप्राण के कंपेयर में, ठीक है। तो हम अल्प प्राण पहले करते हैं, इसमें कम हवा निकलता है, तो इसमें आ जाएगा वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ व्यंजन स्वर और अनुस्वार, ठीक है। अल्प प्राण मतलब कम हवा निकलना, ठीक है। अब आप इसको कैसे बांटेंगे, यहाँ पे आप मैं आपको याद करा देता हूँ, या आप भूलेंगे नहीं, सॉरी कहाँ चला गया, ऊपर ये हमारा आ गया, ये है अल्प प्राण महाप्राण। देखिए ये पहला वर्ग है, इसी यहीं से आपको लिखते जाना है अल्प प्राण महाप्राण। मैं अल्प को ए लिख रहा हूँ और महा को एम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अल्प प्राण, ये अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, सॉरी ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है पेन, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए ये होता है आपका अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसा एक एक करके आपको लिखना है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। तो जो विषम में आएगा मतलब 1 2 3
चार पाँच, जो विषम में आएगा एक तीन और पाँच, ये आपके होंगे अल्पप्राण। ठीक है, ये होंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण की संख्या कितनी है, तीन है, तो पाँच दिया 15। ठीक है, अब महाप्राण कितना है, दो और चार, ये महाप्राण है आपके दो और चार सम में, है ना, सम में, तो इसकी संख्या होगी 10, टोटल 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो आपको इसी तरह इसको याद रखना है, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण, ये तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे। बाकी ये जो टेबल में बना है उसको तो आप एक अल्टरनेट करके ए और एम, ए और एम करके आप याद कर लोगे। बाकी का जो बचेगा उसको कैसे याद करेंगे, ये देखिए, अल्पप्राण ये हमने पता चल लिया, ये देखिए पहला तीसरा और पांचवा क्या है, विषम है, तो इसकी संख्या हो गई आपकी 15 यहीं पे। ठीक है, अब होता है अंतःस्थ या अलावा, इसकी संख्या होती है 4। ठीक है, और इसके बाद है आपका स्वर, स्वर होता है आपका 11, और एक होता है अनुस्वार, ये। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ ये आप गिन लीजिए, 15 और 4 यहाँ एक आएंगे तो 5 होगा, ये 20 20 20 और 11 31। ठीक है, आपके महाप्राण की संख्या कितनी है, तो महाप्राण की संख्या आपकी है 31। ठीक है, 31 आपकी महाप्राण की संख्या, सॉरी अल्पप्राण की संख्या आपकी 31 है, और आपके अघोष की भी, आपके सघोष की भी संख्या 31 थी, और अल्पप्राण की भी संख्या 31 है। अब देखिए इसमें आपके कुछ खुद से आपको बुद्धि लगानी है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो, हमने बोला है अल्पप्राण का मतलब होता है कम हवा निकलना। ठीक है, और हमने सभी पढ़े हैं कि हमने सभी पढ़ा है, हमने बहुत पहले से या फिर मैं पढ़ा जाऊँ, पहले से आप पढ़े होंगे कि स्वर को बोलने में अधिक हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, स्वर एकदम किसी भी रुकावट के साथ बोला जाता है तो उसमें हवा कम निकलता होगा। ऐसा सोचकर आप जितना भी स्वर है उसको अल्पप्राण में डाल दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताया था यर लवा, है ना, ये आपके अर्ध स्वर हैं, यर लवा आपके अर्ध स्वर हैं। ठीक है, तो इसे भी आप अल्पप्राण में डाल दीजिए। और लास्ट में बचा है आपका एक अनुस्वार, अनुस्वार कहने में और विसर्ग, देखिए अम की मात्रा कहने में, और जैसे यदि अतः, ये अतः है, ये इसको बोलते हैं विसर्ग अतः, और ये होता है अंत। अब बताइए कि ये आम में अम की मात्रा कहने में कम हवा लग रहा है कि अतः कहने में, तो अतः कहने में अधिक लग रहा है हवा, तो इस अतः को हम महाप्राण में देंगे क्योंकि इसमें हवा ज़्यादा लग रहा है, और ये अंत में कम, इसलिए इसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, एक बार और शॉर्ट समझ जाइए कि पहला विषम वाला, विषम तो हमारे पास पाँच तक में कितना विषम है, तो एक है, तीन है, और ये पाँच है, ये विषम हो गया, तो इनसे आपके 15 आ जाएंगे। आपको ये लिख कर याद करना होगा, है ना, ऐसे करने में से आपको याद नहीं होगा, एक ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा और उसमें बार बार लिख के देखना पड़ेगा। तो ये हो गया, उसके बाद है हमारे पास स्वर, मान लेते हैं, ठीक है, स्वर 11 है प्लस अब अर्ध स्वर, उसमें भी कम लगेगा, तो ये यर अलावा 4 है, और है हमारे पास अम की मात्रा, तो ये है आपका अल्पप्राण। नेक्स्ट चलते हैं महाप्राण में, तो जो बच गया वो महाप्राण है। ठीक है, क्या क्या बचा देख लीजिए, वर्ग का दूसरा और चौथा, विषम वाला तो अल्पप्राण में चला गया, एक तीन और पाँच अल्पप्राण में चला गया, तो हमारे पास महाप्राण में क्या बचा, दो और चार बचा, 24, ऐसे ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, 24 और दो 135। ठीक है, दूसरा है विसर्ग, विसर्ग हमने देखा था, यहाँ पे हमने अम की मात्रा देखा था, यहाँ हम देख लेंगे विसर्ग को। ठीक है, उष्म व्यंजन, अब उष्म व्यंजन क्या क्या है, श श ह ही उष्म व्यंजन है, श श ह आपके उष्म व्यंजन है ना, तो ये श श श और ह ये आपके उष्म व्यंजन है, तो इस प्रकार से कितना हुए, एक ये 5 5 10 10 11 और 11 और 4 16 तो 16 आपके महाप्राण हो गए। ठीक है, 16 आपके महाप्राण हो गए, तो ये आपका ट्रिक है। इसको रिवाइज करने के लिए आपको इस चार्ट को बार बार बना के देखना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, अब होता है आयोग वा, क्या होता है हिंदी व्याकरण में, आयोग वा क्या चीज़ होता है, आयोग वा क्या होता है,
तो अम और अह को ही हम आयोग वाह कहते हैं, आयोग मतलब योग, आयोग वाह कहते हैं। इसे स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहा जाता है, इसको स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कभी कभी स्वर की तरह करते हैं व्यवहार, तो कभी कभी व्यंजन की तरह भी व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम इसे आयोग वाह को इसे हम आयोग वाह कहते हैं। इसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है, इसको कभी हम उसमें लेते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर में, कभी व्यंजन में। तो इसे हम स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी बोलते हैं। याद रखिएगा, य ल व आपकी अर्ध स्वर है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ये अर्ध स्वर है, और ये अम और आहा आपकी स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी है, दोनों में अंतर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा संभल जाइएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। परंपरा के अनुसार अम और आहा को, है ना, स्वरों के साथ रखा जाता है, इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अ स्वर के साथ होता है, ठीक है, इसलिए इसे स्वर से अलग माना जाता है। किंतु जैसे ही हम इसको व्यंजन में देते हैं, तो ये फिर उसके लिए मात्राओं का कार्य करने लगती है। जैसे हमें देख कम, ये देखिए, यदि इस अनुस्वार को हम ऊपर लिख दिए तो ये मात्रा के रूप में काम कर रही है, अतः ये भी यहाँ मात्रा के रूप में काम कर रही है। तो यदि हम इसको अब व्यंजन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हमें स्वर की भांति कार्य करने को लगते हैं, क्योंकि स्वर का काम होता है किसी भी चीज़ को मात्रा देना, तो ये मात्रा दे रहे हैं व्यंजन को, इसलिए हम इसको स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी बोलते हैं। और इसी को यदि हम स्वर के रूप में यूज करना चाहें, तो ये अ का साउंड देना चालू करते हैं, ठीक है, अ का साउंड देना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम इसको व्यंजन और स्वर की बीच की कड़ी कहते हैं। अगला जाते हैं हम आगत व्यंजन और आगत स्वर, क्या चीज़ होता है। कुछ चीज़ें होती है जो दूसरी भाषाओं से आती है, ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जिसे दूसरी भाषाओं से आती है और हमारे भाषा हिंदी भाषा में आकर उसको सम्मिलित हो जाती है, लेकिन हम उस भाषा का वर्णों बोलने के लिए तो हमें कोई किसी भी वर्णों या फिर चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम किसी दूसरे भाषा के वर्ड को अपने हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमको उसको केवल देवनागरी में ही लिखना होता है, ठीक है, देवनागरी में ही लिखना होता है। जैसे आपका यहाँ पे है, आपका ये देख लेते हैं ज़रा, है ना, जैसे गज़ल ही देख लेते हैं, गज़ल गज़ल, और एक होता है गज़ल, एक होता है गज़ल, ये देखिए अब कौन सा सही है। ये हमारे उर्दू में बोले जाने वाले हैं, है ना, उर्दू में बोले जाने वाले हैं गज़ल, लेकिन इसके लिए हमारे हिंदी के पास कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन इन दोनों के साउंड में अंतर, जैसे गज़ल 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 गज़ल, अंतर आ रहा है ना दोनों में। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से थोड़ा वर्ड, थोड़ा भाषा को अलग से बोलने के लिए नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, जैसे नुक्ता भी बोलते हैं, है ना, इसी नुक्ता को हम आगत व्यंजन कहते हैं। यदि क्वेश्चन में यदि पूछ दिया कि आगत व्यंजन क्या है, तो ठीक है, तो किसी शब्द में हमको उर्दू फारसी का साउंड लाने के लिए जो नीचे बिंदी लगाते हैं, वो हमारा आगत व्यंजन है, ठीक है। अब आगत स्वर की बात करते हैं। कुछ अंग्रेजी के भाषाएं होते हैं जिनको हमको उसी रूप में देखना होता है, ठीक है, उसी भाषा में उसका उपयोग करना होता है। जैसे डॉग, ये डॉग है, डॉग DOG डॉग, ये तो इंग्लिश में लिखेंगे तब ऐसा लिखेंगे, लेकिन अभी यदि हमें हिंदी में लिखना होता है हमको डॉग, ठीक है, और इसका उच्चारण होता है डॉग, ठीक है, तो इसके लिए हम यदि ओ का मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है, डॉग हो जाता है, जो सही उच्चारण नहीं होता है। औ का लगाते हैं तो होता है डॉग डॉग, लेकिन यदि हम इसी में अर्ध बिंदु लगा देते हैं, अर्ध चंद्राकार लगा देते हैं, तो हमारा इस डॉग और इस डॉग का प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाता है। तो जब भी हमें इंग्लिश के किसी भी वर्ड को हिंदी में बोलने की आवश्यकता पड़ती है सेम टू सेम प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो हमें ऊपर में एक अर्ध चंद्राकार लगाना होता है, जिसे हम अर्ध चांद बोलते हैं, अर्ध चंद्र बोलते हैं, उसी को हम बोल देंगे स्वर, आगत स्वर,
तो ये होगा आपका आगत स्वर, ठीक है। इसके इसके आगे का पाठ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।